दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अडोब प्रीमियर सीसी 2021 के बारे में, जिसमें आप अडोब प्रीमियर को कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसके पे न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आइए जानते हैं अडोब प्रीमियर सीसी के बारे में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिन टू स्टार्ट कैसे करते हैं और कैसे इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिए, ये विंडोज़ है हमारी दोस्तों, इस टाइप से ये विंडोज़ का आपका ऑप्शन है, ये वाला पोर्शन जो विंडोज़ का होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ पे अलग अलग चीज़ के लगे हुए हैं, आप चाहें तो इसको अडोब प्रीमियर सीसी जो है उसको यहाँ से राइट क्लिक जैसे ही आप करते हैं, जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रीमियर आपका यहाँ पर आ जाता है, खासकर यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इन चीज़ों को लगाना है तो उसके लिए क्या करेंगे आपको कि जो ना आपको यहाँ से पिन टू स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप पिन टू स्टार्ट कर देंगे तो नॉर्मली जो ना आप यहाँ से भी प्रीमियर को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे प्रीमियर ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये आपका प्रीमियर जो है उसका इंटरफेस जो है इस टाइप का था आया हुआ है। इस बार ये आपका प्रीमियर प्रो आ गया दोस्तों, इस टाइप से जो ना अब की बार नया का नया ये बना है ये, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो सीधा जैसे ही आप प्रीमियर को ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने नेम डालना है ना, उसके अंदर आपने लोकेशन, फाइल लोकेशन कहाँ रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी फाइल लोकेशन यहाँ पे कर देता हूँ, ये बेसिक फर्स्ट क्लास है आप लोगों की। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि ये आपको रखना कहाँ पे लोकेशन में। अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी और लोकेशन में रखना तो ये यहाँ पे आप जैसे अपनी किसी भी ड्राइव को चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने फोल्डर बना दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया यहाँ से और एक फोल्डर बना दिया ये वाला, और ये मैं कर देता हूँ आपका ट्रेनिंग के तौर पे, AINIG ट्रेनिंग, ठीक है। आज डेट क्या होगी, ये 14/05, ये मैंने 14/05 के का ट्रेनिंग के नाम से ये इस टाइप से आपका कर दिया है 14/05 की ट्रेनिंग। ये देखिए, अब क्या है, मैं वापस जो ना प्रीमियर पे ही जाऊँगा आपके इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जाके मैं 14/0 की फाइल में ये आपका आ गया 14/0/14/0, ये आपका ये आ गया है 14/0 का फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 14/0 के फोल्डर को, तो इसको मैंने क्या करना है, क्लिक कर देना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये आपका सिलेक्ट हो गया है, यानी कि आपका न्यू प्रोजेक्ट आ गया, 14/05 ट्रेनिंग आ गई है। उसके बाद आपका जो स्क्रैच सेटिंग है, यानी कि स्क्रैच सेटिंग क्या होती है, सेम एज प्रोजेक्ट जैसे आपने रखना है, मतलब आपके प्रोजेक्ट की फाइलें भी इसमें जाएंगी, कैप्चर ऑडियो आप करेंगे वो भी इसमें जाएगा, वीडियो प्रीव्यू भी इसमें जाएगा, ऑडियो प्रीव्यू प्रोजेक्ट सब कुछ इसी में चला जाएगा, यानी कि आपका इंजस्ट सेटिंग सेम ही रहती है इसकी। और यहाँ पर जब आप टाइम कोड करते हैं तो ये ही आपको टाइम कोड रखना है ना, कई बार लोग चेंज कर देते हैं तो टाइम लाइन पर प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऑडियो सैंपल रखना है HDV DV का, दोस्तों जो सेटअप चलता था वो किसी टाइम पे पहले चला करता था DV, तो DV होता था आपका 720x576 में, जिसमें कि कैसेटें चला करती थी उस टाइम पे, कैमरे की स्मॉल DV होती थी। लेकिन अब क्या है कि जो सारा फॉर्मेट DV पे आ गया है, HDV पे, यानी कि हाई डेफिनेशन पे। इसको करने के बाद ये जब आप सेटिंग कर देंगे तो इसको हम कर देंगे ओके। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ओपन व्यू बन के आ गया, मतलब कि प्रीमियर का जितना भी वर्क फ्लो है ये सामने आपका दिख गया है पैनल। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा और नई चीज़ें, और नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ, और न्यू सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, कैसे हम इस पर काम करेंगे, तो इसको आप देखते रहिए, क्लास बाय क्लास मैं आपको समझाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अडोब प्रीमियर सीसी पर हम
नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस पर काम करते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।